हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में बिग बॉस के घर जाने से। अभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। दोस्तों, बिग बॉस का आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि घर के अंदर कैप्टेंसी टास्क होने वाली है। साथ ही साथ कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों को परेशानियां भी हुई है। बिग बॉस ने वार्निंग और पनिशमेंट देने की भी बात की। आपको बता दूं क्या कुछ है पूरा अपडेट आज के दिन का। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रूबीना घर की अगली कैप्टन बने और रूबीना को आप सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट रूबीना दिले के लिए जरूर दिखाएं। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप उस कंटेस्टेंट का नाम हमें बताइए जिसे आप कैप्टेंसी के टास्क में सपोर्ट कर रहे हैं, जिसे आप चाहते हैं कि वो घर का अगला कैप्टन बने। कमेंट करके उस कंटेस्टेंट का नाम आप सभी लोग हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का बिग बॉस का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि राखी और जस्मीन अली के बीच में लड़ाई हो जाती है। जहां दोस्तों आपको बता दूं कि जस्मीन काफ़ी ज़्यादा भिड़ जाती हैं और वो बतख जो दिया था आपको याद होगा गिफ्ट के तौर पे आया था, वो वाला बतख जब जस्मीन आकर के पहनाने की कोशिश करती हैं, तो उस दौरान राखी सावंत जो है उनके नाक में चोट लग जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उनके बाद जो वो जूली वाली एक्टिंग करती हैं और उनको या सच में चोट लग जाती हैं, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग पड़ती हैं और रोने लग पड़ती हैं। जहाँ आप दोस्तों अली उनको संभालते हुए नजर आएंगे और आप देखेंगे कि ये भी कैप्टेंसी टास्क चल रहा होता है, जो कि भूत से रिलेटेड कुछ टास्क है, जहाँ पे पूरे घर को, गार्डन एरिया को भूत या खंडहर में चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ कैप्टेंसी का टास्क होना है, जहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि इस टास्क के दौरान, क्योंकि इन दोनों के बीच में, राखी और जस्मीन के बीच में लड़ाई हो जाती है, इसलिए बिग बॉस सभी को, जितने भी कंटेस्टेंट हैं घर के अंदर, सभी को गार्डन एरिया में बुलाते हैं। और गार्डन एरिया में बुलाने के बाद जस्मीन के वजह से पूरे घर वालों को सजा देने की बात करते हैं और बोलते हैं कि ये जो चल रहा है घर के अंदर, कि किसी भी, कोई भी अभी तक जितना भी टास्क हुआ है उसमें हाथापाई हुई ही है इस सीजन के दौरान, और वो टास्क भी सही से कंप्लीट नहीं हुआ है, या तो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है वो टास्क, या तो आप छीना झपटी करने लगते हैं और हाथापाई करने लगते हैं, जिसके वजह से हमें टास्क को रोक देना पड़ता है। और इस टास्क के दौरान भी हालांकि जस्मीन वसीन ने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन ये काफ़ी निंदनीय है और ये व्यवहार बिल्कुल भी सहने के लायक नहीं है। अगर ये चीज़ें दोबारा फिर से घर में होती हैं, इस तरह के निंदनीय व्यवहार, तो बिग बॉस को एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और वो कड़ा कदम दोस्तों कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कुछ भी के लिए सभी घर वालों को नॉमिनेट कर दिया जाए। और एक सजा तो उन्होंने फिलहाल ही दे दी है कि बिग बॉस ने उन सभी को कहा है कि जब तक बिग बॉस के घर का लाइट ऑफ नहीं होगा, तब तक कोई नहीं सोएगा। यानी कि दोस्तों आज रात में जो है लाइट जो है वो लेट से ऑफ होएगी बिग बॉस के, और रूल भी यही है कि अगर लाइट ऑन है तो आपको सोना नहीं है, लाइट ऑफ होने के बाद ही आप बिग बॉस के घर में सो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है घर के अंदर का माहौल, क्योंकि लोग अब इस बात को लेकर के चिरेंगे और उकसाएंगे कि हो आखिर हुआ क्या उनके बीच में, जिसके वजह से ये हो रहा है, और देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि उसके बाद किस तरह की सिक्वेंस होती है। और बिग बॉस का इस बार का कैप्टेंसी टास्क क्या फिर से एक बार रद्द हो जाता है, या फिर कोई एक नया कैप्टन बन के सामने आता है, देखना सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, उसके दौरान अभिनव और रूबीना दिले घर में, इन दोनों के बीच में समय समय पर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात पर कॉन्फ्लिक्ट और रिफ्ट आते रहते हैं, और जहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई भी कभी कभी हो जाती है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच में फिर से एक बार लड़ाई देखी गई है, जहाँ पे अभिनव शुक्ला और रूबीना दिलेक आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो शायद टास्क से रिलेटेड ही चल रहा होता है उनका। लेकिन दोस्तों इस टास्क से रिलेटेड बात में ही किसी बात को लेकर के, किसी अभिनव की बात को लेकर के अर्ग्यू कर बैठती हैं रूबीना दिलेक, जहाँ पे दोस्तों फिर से, हालांकि ये कहना कहीं ना कहीं हल्का आंशिक कहीं ना कहीं इस बात पे नजर आता है कि नीचे अगर कोई बोलता है कि अभिनव के वजह से रूबीना चुप हो जाती है, तो ऐसा अभी तक मुझे तो नहीं लगा है गेम को देखते हुए, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो अभी तक कहीं पैसा है नहीं कि वो, इन्होंने ऐसा मान लिया कि अभिनव बोल रहे हैं तो रुक जाएंगे। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू 100% रखती ही हैं और वही करती हैं जो उनको करने का मन होता है। लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो अभिनव के बोलने पर रुक जाती है, उनका गेम खराब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। और यहाँ पर भी आपको इस लड़ाई के भी दौरान आपको यही कुछ देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों कैप्टनशिप और ये चीजें देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट और मजेदार होने वाला है कि क्या कुछ बातों से लड़ाई होती है और कौन सा घर का कैप्टन अगला बनता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। बिग बॉस से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।